खबर ढोई वाला से, कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति हुई खराब तो महिला ने शुरू किया मशरूम का उत्पादन। जी हां, आपको बता दें कि जहां कोरोना की वजह से हजारों लोग बेरोजगार हुए हैं तो वहीं कुछ करने का जज्बा रखने वाले लोग भी हैं। तो वहीं कुछ करने का जज्बा रखने वाली एक महिला भी है। जहां ढोई वाले की कई महिलाएं होली के लिए ऑर्गेनिक रंग बना रही हैं, तो वहीं रानी पोखरी भड़कोट निवासी श्वेता रावत ने मशरूम उगाकर स्वरोजगार शुरू कर परिवार का आर्थिक रूप से मदद भी किया है। श्वेता रावत ने बताया कि वह कोरोना काल से पहले एक निजी कंपनी में काम करती थी, तो तब उन्होंने इसकी ट्रेनिंग मशरूम गर्ल के नाम से मशहूर दिव्या से ली थी। कोरोना काल में जब सभी काम बंद हो गए थे तो उन्होंने मशरूम उत्पादन करने का फैसला लिया और इसकी शुरुआत अपने घर से ही की, लेकिन अब उन्होंने अपने उत्पादन को बढ़ाते हुए कई महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा। इसके साथ ही ढिंगरी मशरूम के उत्पादन की शुरुआत की है, जिसमें वह दो रंगों के मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। इसे लगा रही हूँ और इसमें ये आप 12 महीने कर सकते हैं जो मैं लगा रही हूँ। ये ढिंगरी मशरूम है और इसकी ट्रेनिंग अगर आपको अभी लेनी है, मैं तो वैसे अभी नहीं देती पर दिव्या मैम देती हैं इसकी ट्रेनिंग और आप बीज वहीं से प्रोवाइड करवा सकते हैं। और अगर आपको ये लगाना है तो ये काफ़ी ईजी है लगाने में, अकॉर्डिंग मिल्की और बटन मशरूम के आपको सिर्फ भूसा और एक दो दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी और एक छोटे कमरे की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके बाद अगर आपको इसमें अगर कोई वैसी चीज़ें बड़ी चीज़ें करनी हैं तो आप बड़े भी कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। पर अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप छोटे बैग से स्टार्ट कीजिए ताकि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो जाए, ताकि ये ना हो कि अगर आप ज़्यादा लेवल में करते हो तो ख़राब भी जल्दी होता है अगर आपको नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। वैसे आप बस से अगर आप घर में लगाते हैं, अगर आप घर में अपना कोई काम करना चाहते हैं तो इससे आपकी अच्छी आमदनी भी हो सकती है, इससे आपकी कम लागत में ज़्यादा आमदनी होती है और इसको आप अपने लोकल मार्केट में इजीली बेच सकते हैं, आपका अगल बगल भी इजीली बिक जाता है।